नमस्कार, कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा, एपिसोड नंबर 21। सॉरी लंबा गैप हो रहा है बीच बीच में बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल। मैं कुछ शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशल कुछ लेकर आने वाला हूँ। इसकी वजह से मैं मुंबई में ज़्यादा टिक नहीं पा रहा हूँ, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लग रहा है। मगर मैं आप लोगों को आज कुछ एक्टिंग की टिप्स देने आया हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने यूट्यूब चैनल में लिखा कि सर कुछ एक्टिंग की टिप्स दीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि सुबह उठकर सबसे पहले चार वैरायटी के ओम करना आपको, सबसे नीचे, फिर मीडियम, फिर उसके ऊपर। जैसे ऐसे चार वैरायटी के ओम करना आपको। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। ये अनुलोम विलोम हो गया, चार ओम हो गया। उसके बाद अपने पेट से आवाज निकालने के लिए, यानी अपनी आवाज में बेस बढ़ाने के लिए और बॉडी बढ़ाने के लिए आपको करना है डॉग बार्किंग। अपनी नाभि में हाथ रख लीजिए, अपन जैसे खांसते हैं ऐसे खांसते हैं, उसके बदले खांसने के बदले हवा अपने को बाहर निकालनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है एक्टर्स के लिए, ताकि आपकी आवाज़ में बॉडी रहे, साउंड रहे, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल रहे। किसी भी एक्टिंग के लिए, किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। जितने आप सहज रहेंगे, जितने आप शांत रहेंगे, जैसे मान लो आपको डायलॉग बोलना है या कोई बड़ा पैसेज बोलना है या मोनोलॉग बोलना है, तो कम से कम 3 बार गहरी सांस लेके छोड़िए। अब जब आपके अंदर एक ठहराव क्रिएट हो जाएगा, ठहराव क्रिएट होने के बाद यानी ब्रीदिंग आपकी कंट्रोल में आ चुकी है, अब आप डायलॉग बोलना शुरू कीजिए। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है कि चूंकि हम कैमरा यानी सिनेमा के फ्रेम के अंतर्गत एक्टिंग करते हैं, सिनेमैटिक एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी आई कॉन्टैक्ट। हमको कम से कम 1 मिनट आई कॉन्टैक्ट करना है। तो लगातार आप अपने आप को देखिए मिरर में, या अपने कोई को एक्टर को, बहन को, भाई को, गर्लफ्रेंड को आँख में आँख डाल के कम से कम 1 मिनट तक बिना ब्लिंक किए हुए प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हवा चलती है, एसी चलता है, ड्राइनेस आती है, आँख से आंसू निकलते हैं, मगर आपको लगातार 1 मिनट तक आई कांटेक्ट करना सीखना है। तो सुबह उठते साथ आपको चार वैरायटी के ओम करने हैं, अनुलोम विलोम करना है, डॉग बार्किंग करनी है। और डॉग बार्किंग जो है उसमें डरने की जरूरत नहीं। अगर मान लो कई लोगों को स्टार जैसे आते हैं या गिडीनेस फील होता है, जस्ट लेट जाइए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ऑक्सीजनेशन पहली बार शरीर के उन हिस्सों में पहुंच रहा है, खासकर मस्तिष्क में पहुंच रहा है, जहां से पहले कभी पहुंचा नहीं था। दूसरा एक्टिंग टिप में है सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की, कम्युनिकेशन, हमारी भाषा पर कंट्रोल, ब्रीदिंग पर कंट्रोल और भाषा पर कंट्रोल। ब्रेथलेसनेस जो होती है वो हाफी क्रिएट करती है, और हाफी जो होता है वो सही थॉट को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता। तो आपको हाँफना नहीं है, 3 बार गहरी सांस लेके छोड़ना है, उसके बाद डायलॉग बोलना शुरू करना है, और अपनी स्पीड पर कंट्रोल करना है। जैसे मैं भी कई बार तेज़ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे है कि मैं 10 मिनट के अंदर ही वीडियो कंप्लीट कर लूँ। अगर आप गौर करेंगे तो मैं बिना ब्रेक के बोलता हूँ, लेकिन स्पष्टता से बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। कई लोगों को स श श का फर्क नहीं पता, स समय का, श शक्कर का, श षड्यंत्र का, विष्णु, कृष्ण, दृष्टि, मगर हम लोग हर किसी को श शक्कर का लगा देते हैं। कई लोग स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं। कई लोग व को ब बोलते हैं, ब को व बोलते हैं। कई लोग प फ में फ़र्क नहीं करते, ब भ में फ़र्क नहीं पड़ते, ज झ में फ़र्क नहीं करते। स्पष्ट बोलना है, हर शब्द पूर्णतः उच्चारण करना है, और स्पीड कंट्रोल करना है। स्पीड कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्या है कि पुराने गानों को या पोइट्री को बहुत स्लो स्पीड में बोलना है। जैसे तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने कैसे सपने दिखाए। या आपको शायरी जो है वो कभी भी आप गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसको गलत पैटर्न में नहीं पढ़ सकते। जैसे रामचरितमानस है, सुंदरकांड का अगर आप पाठ करेंगे या छंद पढ़ेंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, आप इसको गलत पढ़ ही नहीं सकते, इसको गलत उच्चारित कर ही नहीं सकते, इसका एक पैटर्न है। तो बोलने का पैटर्न पकड़ना है, स्पीड कंट्रोल करना है। अपनी स्पीड कंट्रोल करने के लिए कोई भी पैसेज उठा लीजिए, प्रेमचंद जी की कहानियाँ उठा लीजिए, और उसको 50% स्पीड में पढ़िए। जब वो बालक
गाय के बछड़े के पास आया। अब देखिए हम लोग बोलते हैं जब वो बालक गाय के बछड़े के पास आया। स्पीड पे कंट्रोल करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे इमोशंस ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाएंगे, चिपक नहीं पाएंगे। आप जल्दी जल्दी बोलेंगे ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो क्या होगा, बात अधूरी रह जाएगी। इसके लिए स्पीड कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना है, और जो मैंने सुबह उठकर एक्सरसाइज बताई है आपको, वो एक्सरसाइज करनी है। और आप अपने इन इम्प्रूवमेंट के साथ मुझे कमेंट कीजिए मेरे चैनल फिल्म जोन क्रिएशंस LLP पे, जो यूट्यूब का चैनल है। मुझे और सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं अपनी शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स वहाँ पर अपलोड कर सकूँ। और मेरी वेबसाइट है www.filmzonecreations.com, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। जुड़े रहिए, मेरा ट्रैवल चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा बीच में गैप आ रहा है, मगर मैं आपसे बात करता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा कि एक्टिंग और ज़िंदगी कैसे आपस में जुड़ी हुई है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं विवेक शर्मा के साथ। जय हिंद।